तो यहाँ से देखो रास्ता जाने के लिए प्रॉपर नहीं है, तो भाई अगर जाना होगा तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। देखो यहाँ से पहले यहाँ से फाइनली आपका फाइनल एपिसोड में स्वागत है। तो अभी बस जल्दी से जल्दी अपना सामान समेटने का है और यहाँ से निकल जाने का है। बट उससे पहले यार रोहतांग पास आए और कुछ खाया पिया नहीं, ब्रेकफास्ट तो कर लिए बट कुछ नेचुरल चीज़ अगर नवीन ठाकुर ने नहीं की तो तब तक तुम्हें भी मज़ा नहीं आता और मुझे भी नहीं मज़ा आता है। तो इसीलिए हम लास्ट टाइम आपको लाहौल में पॉमीग्रेनेट का एक्चुअल जूस पिलाया था, आपने तो नहीं पिया था बट टेस्ट मैंने लिया था। अब एप्पल का पियेंगे यार। मनाली में आकर अगर एप्पल का जूस आपने नहीं पिया वो भी नेचुरल तो कोई फ़ायदा नहीं। एप्पी की बात नहीं कर रहा यार, खुद से निकाला हो तो लेट्स डू इट ब्रो। छोटे तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा होता है प्योर एप्पल जूस, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो एडिड शुगर, जस्ट प्योर जूस। का फायदा ये है कि वो डायरेक्ट आपको एनर्जी देगा और एनर्जी चाहिए अभी वापस जाने के लिए। और मढ़ी में एक ऐसी जगह है जो कि आपको जानना चाहिए, मतलब मस्ट गो प्लेस है भाई, वहाँ जाना ही चाहिए। तो उसी ओर हम भी जा रहे हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस है, गाड़ी नहीं जाने वाली। तो यहाँ पे एक ना बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है यार, वो तो दिखाना बनता है। मन नहीं कर रहा था मेरा अभी आने का, यहाँ पे सोच रहा था कि सीधा घर जाऊँ, सीधा मनाली जाऊँ, वहाँ से सीधा घर निकलूँ, बट क्या करना है यार, बाद में फिर अच्छा लगता है देखना कि यार मेहनत की है। तो चलो अभी सीधा आधा रास्ता कंप्लीट, आधा रास्ता बचा है और वहां पे देखो गद्दी लोगों की भीड़े वो भी हैं, बसेरे यहाँ पे। तो देखो कितनी भीड़े बकरियाँ चल रही हैं, तो मैक्सिमम शायद भीड़े ही हैं यहाँ पे यार, बकरियाँ बहुत कम। तो फ्रेंड्स खूबसूरत याक पानी पीता हुआ, यहाँ पे देसी गाय, यहाँ पे याक और वहाँ पे घोड़ा। And this location is also best for camping यार। देखो यहाँ कैंप्स लगे, कितनी खूबसूरत जगह है और साथ में वो ह्यूज वाटरफॉल यार, बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। चलो अभी टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने तक। तो फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं हम उस ब्यूटीफुल वाटरफॉल के पास। दिस इज द हिडन वाटरफॉल ऑफ मनाली। एक जोगनी वाटरफॉल था और एक ये बहुत खूबसूरत है। एक बात है कि वहाँ पहुँचने तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो अभी हम टोटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अभी मेहनत करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। मैं वहाँ जाके बस ड्रोन भेजूंगा और शॉट्स लूँगा। बट बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ से जो दिखाई दे रही है। तो यहाँ से देखो रास्ता जाने के लिए प्रॉपर नहीं है, तो भाई अगर जाना होगा तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। देखो यहाँ से पहले यहाँ से फिर ऐसे, और वो थोड़ा सा ख़तरनाक एरिया, बंदा गिर भी सकता उधर, या फिर दूसरा शायद, तो दूसरा शायद बोल रहा हूँ, यहाँ से भी हो सकता है।
फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल को भी बाय-बाय करने वाले हैं, बिकॉज अब मेरे पास ना ड्रोन में मेमोरी रही, ना उसमें बैटरी रही, सब ख़त्म हो चुका है भाई। तो बैटरी तो चार्ज हो जाएगी, बट वो लैपटॉप नहीं लाया जिससे मैं मेमोरी थोड़ी सी खाली कर पाऊँ, तो स्पेस बचा नहीं है किसी चीज़ में। अब तो जाना पड़ेगा, सीधा मनाली चलते हैं और अपने इस ट्रिप को हम यहीं विराम दे देंगे थोड़ी देर बाद। बट अभी चलो, लेट्स गो बैक टू पवेलियन। इस वाटरफॉल की अच्छी बात क्या लगी तुझे? जाने को नहीं। हाँ, तो मुझे भी इस वाटरफॉल की सबसे अच्छी बात यही लगी कि यहाँ जाने को नहीं यार, मतलब वैसे जा तो सकते हैं, लोकल जा सकते हैं ऊपर ऊपर से कुछ जुगाड़ करके, बट ऐसे नॉर्मली बंदा नहीं जाएगा, ना जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो यार इस वाटरफॉल की भी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे भी गंदगी डाल देंगे लोग। सोचो यहाँ इसके सामने रॉयल स्टैग की बॉटल पड़ी है, पेप्सी की एक गिलास पड़े हैं, क्या यार हर जगह गंदगी डाली है, हर जगह, तो लोगों का क्या करें अब इनका, मतलब इतनी खूबसूरत जगह भी नहीं छोड़ी है। तो हिडन तो बोलने को रहा ही नहीं कि हिडन वाटरफॉल ऑफ मनाली, बट इट्स नॉट हिडन, गंदगी इतनी डाल दी है तो क्या बताएं। थैंक गॉड उस वाटरफॉल तक रोड नहीं है। तो फ्रेंड्स, मनाली पहुंचने से पहले तुम्हें मैं यहां अपने दोस्तों से मिला देता हूं। तो ये जो वाइट वाला दोस्त है मेरा, ये है हीरा। हेलो हीरा, कैसा है? तो काफ़ी जान पहचान है मेरी इसके साथ, तो काफ़ी टाइम पुरानी दोस्ती है मेरे साथ। हीरा, हीरा कैसा है? तो यहाँ हीरा है, बाकी कोई मोती है, कोई लालू है, कोई क्या है, सारे हैं। तो चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, ये घोड़ी है भाई और ये उसका बछड़ा है। चलो चलो चलो, लेट्स गो। तो किसी और दिन आएंगे और घुड़सवारी करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो बस अब निकलने की देरी है अपने घर की ओर। बहुत बहुत मज़ा आया इतने दिन यार, सीरियसली। और तुम भी बताना कि आप लोगों को कितना मज़ा आया हमारे साथ। तो अभी धूप है, वो इस साइड से पड़ रही, तो शेडो पड़ रही है ज़्यादा, तो क्या करें यार, थक चुका हूँ अब, एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, कैमरा पकड़ पकड़ के भी। बट चलो, नेचर इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे याक भी है आगे, पिछली बार की जिसकी थोड़ी सी फुटेज दिखाई दी थी आपको। तो जो ये वाटरफॉल है, लगभग 20 मिनट का ट्रैक, आधा घंटा मैक्सिमम रख लो यार, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। वो देखो, हेलो गाय जी, मस्त बैठी है, देखो मस्त, इससे मस्त लाइफ क्या हो सकती है यार। और देखो, जुगाली करने बैठी हूँ इस खूबसूरत वैली में भाई। ये वाला थोड़ा गुस्से में लग रहा है, ये वाला। और याक जी देखो, अकेले बैठे हैं मज़े से सुस्ताने और खाने। चलो तो चलो फ्रेंड्स, अब मेरे पास कोई भी, या इस पे भी लगभग 3 मिनट बचे हैं जो कि शूट करूँगा मैं मेन मनाली में। तो फ्रेंड्स चलो, अब मिलते हैं सीधा मनाली और उसके बाद करते हैं आपको अलविदा। तो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच चुके हैं मनाली और अभी हूं मैं अपने सेब के बगीचे में। तो सेब तो एक भी नहीं बचा है यहाँ पे, तो बिना सेब के बगीचे में अभी। तो फ्रेंड्स, बस एपिसोड, आज के इस एपिसोड को मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूं। और प्लीज़ बताना यार आपको ये वाली मनाली शिंकुला मनाली सीरीज़ कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताना। और फिर भी आपके कोई कुछ भी डाउट्स रह जाते हैं या फिर कुछ इच्छाएं हैं जो आप बताना चाहते हो मुझे, वो भी बता देना, उन डाउट्स के लिए भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, बस अब एनर्जी टोटली लो हो चुकी है, सब थक चुके हैं, अब घर जाना है, सोना है और खाना है, पीना है, सो जाना है बस। तो फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।